तो एंड गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज ये भाई सभी को मेरी तरफ से नमस्ते राम राम जय हिंद सत श्री सभी को गुड इवनिंग मैम क्लास नहीं होगा क्या सुनील बिल्कुल होगा क्लास चलो नीरज क्या कहना चाह रहे हैं आप बोलिएगा हां जी आज ये फिर फटाक से क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है एक से मिनट एक का वेट करते हैं ताकि सारे बाद बाद बादल आ चुके हैं रोमी राठौड़ आ चुके नवनीत उपांश राहुल अरविंद पंकज चलो भाई ठीक है प्रशांत भी आ चुके हैं विपिन आ चुके हैं शुभम आ चुके हैं स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास चलो तो हम केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ रहे थे हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास लूंगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गैसेस के बारे में और आप मेरे पीछे जैसा देख पा रहे हैं आप कोई भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें नोबल गैसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कुछ सात आठ क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ अभी जैसे आपसे पूछते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी नोबल गैस यूज होती है रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस यूज होती है जो अस्थमा पेशेंट का इनहेलर होता है है ना अस्थमा वाला पेशेंट होता है ना, ना? दमा रोग वाला वो छोटा सा सिलेंडर लेके ऐसे उससे सांस लेता है उसमें कौन सी गैस होती है जो एयर बलून होता है उसमें कौन सी गैस होती है ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोबल गैसेस से नोबल गैसेस बस आज की क्लास में खत्म हो जाएगा एक घंटे का चैप्टर है तो बाकी कुछ रहा तो वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप पीछे देख रहे होंगे बहुत ही कलरफुल से गुब्बारे दिख रहे हैं अब गुब्बारे मत देखो गुब्बारों के अंदर आपको कुछ सिंबल दिख रहे होंगे जैसे यहाँ पे एच ई यहाँ पे एनई ए आर के आर आर एन एक्सई ये क्या होते हैं ये सारी नोबल गैसेस होती हैं तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज नोबल गैस देखो आपसे पूछ ले नोबल गैस क्या होती है या आपसे पूछ ले इनर्ट गैस क्या होती है, है ना इनर्ट गैस क्या होती है हिंदी में इसको बोलेंगे अक्रिय अक्रिय गैस गैस पूछे या उत्कृष्ट गैस पूछे कि भाई उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं या अक्रिय गैस किसको कहते हैं आपका आंसर सेम होगा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कमेंट्स में आपके बाद में देखूंगी ठीक है जब हम गैसेस की बात करते हैं और गैसें में कौन सी नोबल गैस या इनर्ट गैस या कभी कभी नॉन रिएक्टिव गैस भी कहते हैं ये इनके ही नाम है, गैस भी कहते है इनको बच्चों पीरियोडिक टेबल जब अब आप पढ़ोगे ना तो पीरियोडिक टेबल में आते हैं टोटल अठारह ग्रुप और जो ग्रुप नंबर एटीन होता है ना जो अठारवा समूह है कौन सा समूह अठारह अठारवा जो आपका ग्रुप है ना उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं उसी में आती हैं आपकी नोबल गैसेस नोबल गैसेस को आवर्त सारणी के 18वां ग्रुप जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं 18वें ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है इसको जीरो ग्रुप या इसको शून्य समूह भी कहा जाता है अब जरा ध्यान से सुनो सबसे पहली बात कि मैम इनका नोबल या इनर्ट या नॉन रिएक्टिव गैस नाम क्यों पड़ा क्योंकि इस ग्रुप में या यहां पर जो आपकी गैसेस आती हैं नोबल गैसेस ये कभी भी किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती हैं ये रासायनिक बंद नहीं बनाती हैं ये ना ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करती हैं ना अभिक्रिया करती हैं क्यों नहीं करती हैं ये क्योंकि बच्चा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट होता है ना इनकी, इनकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं जिसको हम अष्टक नियम कहते हैं अष्टक नियम क्या कहता है बड़ी ध्यान से सुनना अष्टक नियम कहता है ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई अगर किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो स्टेबल है वो क्या है वो स्टेबल है वो स्थाई है और वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा वो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा वो रासायनिक बंद नहीं बनाएगा और जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी इसका मतलब वो किसी भी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लेगा कोई हिस्सा नहीं लेगा वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पहले से स्टेबल है 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 और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड वही एलिमेंट बनाता है, जो अनस्टेबल होता है। जैसे आप सभी अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ताकि आप सरकारी नौकरी के एग्जाम में आप निकल जाए एग्जाम आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाए आपकी शादी हो जाए बीबी बच्चे मिल जाए आपको आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए तो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं आप प्रकृति का रूल है कोई भी चीज अनस्टेबल अस्थाई नहीं रही होना चाहती तो बच्चा ये पहले से स्टेबल है अब जो स्टेबल है अगर आपके पास बहुत सारे पैसा होता आपके पास बहुत बड़ा सा बिजनेस होता आपके मम्मी पापा के द्वारा बनाया हुआ जैसे अंबानी और अड्डानी को मिला तो वो उनके बच्चे कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना नहीं करते ना तो ये अंबानी और अडानी के बच्चे ही हैं मतलब ये स्टेबल है पहले से इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है ये किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं और ये कहाँ आती हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर अठारह में आती हैं अठारह में आती हैं इनकी वैलेंसी जीरो होती है ये सब आप आगे पढ़ोगे फिलहाल इतना जानना जरूरी है वो मैंने बता दिया कि स्थाई होती हैं ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके के आपके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं अब कौन कौन से होते हैं वो सुन लो नंबर मतलब -e टू पे आता है यहाँ पे नियोन नियोन का सिंबल बस ये फर्स्ट के दो दो ये उठा के डाल दो इनके सिंबल हो जाएंगे नियोन उसके बाद आता है बच्चा आर्गन।, आर्गन आर्गन ए आर हो जाएगा उसके बाद आता है क्रिप्टोन क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, सेम नाम हिंदी में है, क्रिप्टोन, के आ जाएगा, उसके बाद आता है जेनोन, जेनोन, इसको हिंदी में जिनोन बोला जाता है ठीक है जिनोन और इसका सिंबल एक्स ई हो जाएगा देन आता है बच्चों रेडोन देन आता है रेडोन ये सब कुछ नोट डाउन करना है आपको ठीक है रेडोन अब रेडोन का सिंबल आर ए मत कर देना आर ए रेडियम का होता है इसका आर और एन लेना है यहां से तो आर एन हो जाएगा और लास्ट में आता है ऑगे ओगे और जिसका सिंबल होता है ओ जी ओ जी ये रहे आपके कौन सी गैसेस आप बताओगे बच्चा नोबल गैसेस ये आपकी नोबल गैसेस है कौन कौन सी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन ऑर्गेनि अब ऑर्गेनजन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ये सबसे नया नोबल गैस है लेटेस्ट जिसकी खोज हुई थी और ये खोज नहीं मैं बताऊं ये बनाया गया है ये मैन मेड है ये क्या है मैन मेड नोबल गैस है यानी कि इसको इंसान के द्वारा बनाया गया है लेबोरेटरी में इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए वनडे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी में तो हमें जो पढ़ने हैं वो हीलियम से लेके रेडोन तक पढ़ने हैं ये पढ़ने है. ठीक है बच्चों समझ में आ गई है ना अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी आगे चलते हैं सुनो मेरी बात को नोबल गैस बाद में पढ़ेंगे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूं ये आपका अर्थ क्रस्ट है है ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी आप लोग जवाब दोगे क्योंकि तो आप जियोग्राफी वगैरह में पढ़ते हो ये आपका अर्थ क्रस्ट है अर्थ क्रस्ट को आप हिंदी में बोलते हो भूपरपटी नोबल गैस पे आएंगे थोड़ी देर के बाद आएंगे कुछ क्वेश्चंस पूछ लू मैं आपसे जो आपके यहां से जानने जरूरी है अर्थ क्रस्ट की कितनी हाइट तक हमें गैसेस मिलती हैं जरा बताओ मुझे कि अर्थ क्रस्ट की कितनी हाइट तक तो आपने पढ़ा होगा कितनी ऊंचाई तक 400 किलोमीटर तक हमें क्या मिलती है? गैसेस मिलती है ना तो ये आपका यहां से लेकर यहाँ तक की ये जो हाइट है यहां तक आपका 400 किलोमीटर यानी कि क्रस्ट से हमें 400 किलोमीटर तक हमें गैसेस मिलती हैं इस एटमॉस्फेयर में इस वातावरण में आपको गैसेस मिलती हैं ठीक है समझ में आ गई मेरी बात कुंदन जी कह रहे हैं अठारह किलोमीटर तक कुंदन जी मरवाओगे क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मर जाएंगे ठीक है तो अर्थ क्रस्ट यानी भूप्रपटी से एटमॉस्फेयर में कितना चार सौ किलोमीटर तक हमें गैसेस मिलते हैं जब हम इन गैसेस की बात करते हैं तो हंड्रेड परसेंट गैसों में सबसे ज्यादा आप सभी जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है क्वेश्चन सुनते जाना कभी कभी थके क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट सेवेंटी एट परसेंट में होती है यह बात जानते हो सेवेंटी एट परसेंट में उसके बाद दूसरे जो सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन के बाद वो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है ट्वेंटी वन परसेंट में और जो बचा हुआ एक परसेंट है इसमें अदर गैसेस आती हैं इनमें अन्य गैसेस आ जाती हैं अन्य में आपकी सारी आ जाएंगी ठीक है जो तो भी बची वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब यहीं आ जाएंगी और अदर गैसेस में सबसे ज्यादा कौन सी है अदर गैस में एक परसेंट में बचा अब इस एक परसेंट में सबसे ज्यादा कौन सी होती है और यही एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा जीरो नाइन थ्री परसेंट में आपकी आर्गन होती है बच्चों आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना थका हुआ क्वेश्चन है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है मैंने क्या कहा मैंने कहा अर्थ अर्थक्रस से 400 किलोमीटर की हाइट तक हमें गैसेस मिलती हैं इन गैसों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78 परसेंट में होता है उसके बाद ऑक्सीजन 21 में अन्य मतलब सारी मिला के एक परसेंट में आती है और एक परसेंट में सबसे ज्यादा आर्गन होती है अब थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया आर्गन क्या है आर्गन एक नोबल गैस है या नहीं है लिखा है ना आर्गन एक इनर्ट गैस है आर्गन एक अक्रिय या उत्कृष्ट गैस है तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है तो बच्चा नोबल गैस में ये सबसे ज्यादा है कौन सी आर्गन सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है ये जो हमने अभी पढ़ाई ना हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेडो रेडोन और जिनोन इनमें मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस अमंग ऑल नोबल गैसेस में कौन सी आर्गन है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बात समझ में आ गई अब जरा सुनो क्वेश्चन दो और क्या आते हैं मैंने ये चीज क्यों समझाई दो क्वेश्चन पूछने के लिए समझाई आपसे क्या क्वेश्चन आता है कि एटमोस्फियर में कौन सी गैस नहीं होती और क्यों नहीं होती बता सकते हो हाँ जी बता सकते हो कि एटमोस्फियर में कौन सी गैस नहीं मिलती कोई क्वेश्चन करके बताएगा बच्चा हम्म मैम यही क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर हमें पता था बहुत ही बढ़िया है देखो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस H2 गैस नहीं मिलती है हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है क्यों नहीं मिलती है उसके पीछे का रीजन क्या है हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी क्या होता है बच्चा आप बताओगे ज्यादा होता है तो वो यहां से क्रॉस कर जाती है इसको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चा कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन गलत आंसर है बच्चा और हाइड्रोजन गैस गैस की डेंसिटी कम है सॉरी ज्यादा नहीं ठीक है हाइड्रोजन जो गैस होती है इसकी डेंसिटी क्या होती है कम है इसका घनत्व कम है तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम होने के कारण वो इसे क्रॉस कर जाएगी और इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके एटमोस्फेयर में नहीं मिलती है एटमोस्फेयर में नहीं मिलती है लिख दो ये नहीं मिलती है रीजन मैंने दे दिया है कि इसका घनत्व कम है तो वो इसे क्रॉस कर जाएगा यहां से तो हाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलेगा अब दूसरा सुनो रेडोन गैस जो होता है ना आर एन रेडोन गैस ये सबसे हेवीएस्ट गैस है ये सबसे भारी गैस है तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया है ना ये हेवीएस्ट गैस है तो ये यहां से अर्थ क्रस्ट में आ जाती है ये यहां से अर्थ क्रस्ट में आ जाती है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सुनो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एटमोस्फेयर में कौन कौन सी गैस नहीं मिली एक तो हाइड्रोजन नहीं मिली दूसरी रेडोन एटमोस्फेयर तो ये है ना तो ये रेडोन हैवी होने के कारण ये अर्थ क्रस्ट में आ गया नीचे की तरफ तो हाइड्रोजन ऊपर चला गया रेडोन नीचे आ गया तो हमें इस एटमोस्फेयर में दो गैस नहीं मिलती तो लिख दो पहला क्वेश्चन था हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है इंग्लिश में कैसे लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज नोट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज इट्स लो डेंसिटी हिंदी में भी लिख लेना क्या हाइड्रोजन गैस का घनत्व कम होने के कारण वो वातावरण में या एटमॉस्फेयर में हमें नहीं मिलती है अब दूसरा लिखो रेडोन गैस भी नहीं मिलती है रेडोन गैस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन एटमॉस्फेयर बिकॉज 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 इट इज इट इज गैस इट इज गैस हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो रोडोन रेडोन गैस भारी होने के कारण वातावरण में नहीं मिलती है लिख दो रेडोन गैस रेडोन गैस भारी होने के कारण हैवी होने के कारण भारी होने के कारण के कारण वातावरण में नहीं पाई जाती है वातावरण में नहीं पाई जाती है नहीं पाई जाती है ठीक है बच्चों नहीं पाई जाती चार क्वेश्चन करवा दिए मेरा कैसे कैसे दो क्वेश्चन तो ये कि कौन कौन सी गैस हमें एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगी हाइड्रोजन और रेडोन हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलेगी रेडोन क्यों नहीं मिलेगी दोनों के कारण ये रहे आप दोनों को नोट बांध डाल के लिख लेना तीसरा क्वेश्चन आता है कि अदर गैसेस में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है तो आपको बताना है वो आर्गन है वो आर्गन है और चौथा क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है चौथा क्वेश्चन क्या है कि लाइटेस्ट गैस कौन सी है लाइटेस्ट गैस जिसका डेंसिटी सबसे कम होगा वही तो सबसे हल्की गैस होगी तो सबसे हल्की गैस कौन सी है हाइड्रोजन गैस तो लिख दो लाइटेस्ट गैस इज हाइड्रोजन ये चार क्वेश्चन थे बच्चा सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है लेकिन हाइड्रोजन को हर जगह नहीं लेके जा सकते बिकॉज आग लगा देगी बिकॉज ये yeah, आग लगा देगी ठीक है समझ में आ गया चले आगे तो ये मैंने गैसेस के बारे में बात बता दी अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे नोबल गैसेस नोबल गैसेस कितनी होती है मैंने आपको ये लिखवा दिया इतनी होती है हीलियम न्योन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन रेडोन ये मैन मेड अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई लेटेस्ट यानी कि नई नोबल गैस कौन सी है ऑर्गेनाइजन है ये सारी स्टेबल होती हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं ये रिएक्ट नहीं करती हैं क्यों नहीं करती क्योंकि भैया इनका ऑक्टेट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा हुआ होता है आउटर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं और केमिस्ट्री कहती है कि आठ इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल हैं ये स्थाई हैं ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे अब आ जाओ एक एक करके सब पढ़ना शुरू कर देते हैं ठीक है सब पढ़ना शुरू कर देते हैं अब सब पढ़ने शुरू करने से पहले एक चीज नोट डाल के और लिख लेना इन नोबल गैसेस के बारे में नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं मोनो एटॉमिक अच्छा ऐसे पूरा सेंटेंस बना के लिखो नहीं तो कहोगे मैम हम नोट्स कैसे बनाएं है ना तुम तो लोगों की ये भी तो प्रॉब्लम रहती है ना लिखो नोबल नोबल गैसेस या इनर्ट गैस लिखो मैं बात एक ही है नोबल गैसेस आर मोनोअटोमिक गैसेस अब ये मोनोअटोमिक का क्या लफड़ा है आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पहले हिंदी में लिखो गैस एकल परमाणुविक होती है या सभी अक्रिय गैस सभी लगा दो आगे ऑल लगा दो अक्रिय गैस एकल परमाणुविक होती है अब ये एकल परमाणुविक क्या होती है अपने क्वेश्चन देखे ना बच्चा ऐसे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देती हूँ क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन एच टू एच ई एच ई लिखो सिर्फ बाद में ये एच ई टू को तो बाद में समझाऊंगी आपको बुस्त इनमें से कौन सी मोनोअटोमिक गैस है एकल प्रमाणविक कौन सी है कौन सी डाइटोमिक है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ फिर कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए आप सही कर दोगे ठीक है ठीक है ये कौन है कौन कह रहा है कि आ, ये मैम ये कैमरा ठीक कर लो क्वालिटी सही नहीं आ रही है एक मिनट अरे बाबा इससे अच्छी क्वालिटी कहाँ लोगे तुम उज्जवल अपना नेट चेक करो अपना इंटरनेट चेक कर लो उज्ज्वल ठीक है इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका इंटरनेट वगैरह खराब होगा सुनो बड़ी ध्यान से सुनना आपने लिखा ओ टू ओ टू ये जो दो है ना ये दो किसको रिप्रेजेंट करता है ये कह रहा है कि इस ओ टू में ऑक्सीजन के दो एटम है दो परमाणु है ऐसे दो हैं एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो हैं तो ये तो डाई एटोमिक हो गया ना ये तो द्विपरमाणु हो गया ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन इसमें भी दो एटम है दो परमाणु है ऐसे ही हाइड्रोजन के आगे टू लगा हुआ है यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम में दो हाइड्रोजन के परमाणु है लेकिन हीलियम -E, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नीचे तो ये क्या है? इसमें सिर्फ हीलियम का एक ही एटम है इसमें हीलियम का एक ही आटम है, एक ही परमाणु है इसके अंदर ठीक है बच्चा तो ये मोनोअटोमिक हो गया कभी भी आप हीलियम को ऐसे लिखा हुआ नहीं देखोगे कभी तो देखा है एच ई टू ऐसे लिखा हुआ कभी हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि हीलियम में बच्चा ये आप कह दोगे मैम हीलियम में दो तो है एक एच है एक ई है अरे ये इसका सिंबल है एच ई -e, ये इसका सिंबल है बेटा ये इसका सिंबल है ठीक है विपिन एक कमेंट और किया तो ब्लॉक करवा दूंगी क्लास से याद रखना ठीक है एक कमेंट और किया तो क्लास से ब्लॉक करवा दूंगी बात समझ में आ गई ऐसे ही आप जितनी भी सारी नोबल गैसेस है ना इन सबको आप देख लो बेटा फटाक से जितनी भी नोबल गैसेस है ना ये देखो ये भी एक ही एटम वाली है ये भी एक ही एटम वाली ये भी एक ये भी एक ये भी एक ये भी एक तो ये सारी मोनोअटोमिक गैसेस होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है चार ऑप्शन देगा ऐसे और फिर पूछेगा इसमें से मोनो ऑटोमिक कौन है तो याद रखना नोबल गैसेस जो होती है ना वो हमेशा मोनो ऑटोमिक होती है मतलब एकल परमाणु वाली होती है उसमें एक ही परमाणु होता है एक ही एटम होता है इसीलिए हम कभी हीलियम को ऐसे टू नहीं लिखते हैं तो समझ में आ गई मेरी बात चलो ये मैंने नोट डाल के पॉइंट लिखवा दे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में अब हम बात करेंगे एक एक नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे कैसे यूज होता है उसका कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलो सुनो जरा मैम ऑक्सीजन को भी O2 लिख सकते हैं तो O2 ही तो लिखा है मैम ने ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं चलो नंबर वन लगा लो हीलियम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हीलियम जिसका सिंबल क्या होता है एच ई -e, हीलियम जितनी मैंने नोबल गैसेस लिखवाई है ना इन सब में देखो वैसे सबसे हल्की गैस कौन सी है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन सबसे हल्का है क्योंकि हाइड्रोजन का ऑटोमिक नंबर मास एक ही होता है एक नंबर पे आता है तो हाइड्रोजन से हल्का कुछ नहीं हो सकता लेकिन नोबल हाइड्रोजन नोबल गैस तो नहीं है तो आपसे पूछेगा ये जो नोबल गैसेस है इनमें सबसे हल्का कौन सा है तो इसके आगे लिखो इट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस इट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस बच्चा देखो यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है सबसे हल्की अक्रिय गैस है सबसे हल्की अक्रिय गैस है बच्चा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन रेडोन इनमें सबसे हल्की कौन सी होगी हीलियम होगी वैसे सबसे हल्का अगर आपसे सीधा पूछ ले एग्जामिनर एग्जामिनर कह दे भैया लाइटेस्ट गैस कौन सी है तब आप हमेशा ऑप्शन में हाइड्रोजन को ही सही करके आओगे कि H2 गैस सबसे हल्की है क्यों क्योंकि एक नंबर पे आता तो इसे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता अब बच्चों हाइड्रोजन गैस को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हाइड्रोजन गैस की एक प्रकृति होती है ये कंबस्टिबल नेचर की होती है कंबस्टिबल का मतलब होता है ये ज्वलनशील प्रकृति की होती है जहां ले जाओगे वहां आग लगाने का डर लगेगा इसीलिए हम बहुत जगह हाइड्रोजन गैस को ना ले जाकर हीलियम को ले जाते तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन हल्का होने के बाद भी हम हाइड्रोजन को कैरी क्यों नहीं करते हैं जैसे कहां पर जो एयर एयर होते हैं है ना बलून बचपन में सबने फैलाए होंगे फुलाए होंगे गुब्बारे जैसे आपने देखा होगा शहर के बीचों बीच में एक बड़ा सा गुब्बारा लटका हुआ होता है और जिस पे लिखा होता है एयरटेल है ना एयरटेल या अपनी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती है उस गुब्बारे में तो जो हवा वाला गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भरते हैं हम उसमें हीलियम भरते हैं अब हाइड्रोजन भरते तो क्या होता बहुत बार आप सुनते हैं कि फलाना गैस का गुब्बारा फट गया लोग अंदर मर गए है ना ऐसा कुछ आपने देखा हुआ एक्टिविटी करते हुए क्योंकि वो लोग वहां पे गलती से हाइड्रोजन भर लेते हैं हाइड्रोजन हम नहीं लेके जाते हैं, हीलियम लेके जाते हैं और हीलियम क्यों भर लेते हैं हम गुब्बारों में बिकॉज़ हीलियम इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस नॉन कंबस्टिबल गैस का मतलब क्या हो गया बच्चा कि ये अज्वलनशील है अब क्यों ये अज्वलनशील क्यों है क्योंकि बच्चा अभी तो बताया मैंने आपको ये नॉन रिएक्टिव गैस है और जो एलिमेंट जो गैस रिएक्ट ही नहीं करेगा पानी से ऑक्सीजन से हवा से तो भैया वो आग थोड़ी लगा सकता है इसीलिए हम एयर बलून में हीलियम को भर के लेके जाते हैं क्यों क्योंकि ये नॉन कम्बस्टेबल गैस है ये आग नहीं लगा सकती है पहला क्वेश्चन ये हो गया हीलियम के बारे में दूसरा सुनो जरा हीलियम के बारे में और क्या क्वेश्चन आता है दूसरा सुन लीजिए जरा हीलियम को हम हम नहीं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो लोग लेके जाते हैं स्कूबा डाइवर्स को बोलते हैं गोताखोर गोताखोर कहाँ जाते हैं समुंदर में जाते हैं समुंदर के नीचे गहराई में जाते हैं सी की डेप्थ में जाते हैं क्या देखने देखा होगा आपने मोदी जी ने थोड़े दिन पहले क्या किया था लक्ष्मद्वीप का प्रमोशन किया था और कैसे किया था प्रमोशन ठीक है कैसे किया था तो स्कूबा डाइविंग करके और मालदीव के लोग परेशान हो गए थे की इकोनॉमी डाउन लोग लक्ष्मद्वीप जाने लग गए तो बच्चा स्कूबा डाइविंग क्यों करते हैं जो गोताखोर होते हैं हो जो समुद्र में जो लिविंग होते हैं जो लाइफ होती है एक्वाटिक एनिमल्स की उसको इंजॉय करने के लिए जाते हैं तो स्कूबा डाइविंग जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्यों लेके जाते हैं क्योंकि हम मछली तो है नहीं मछली होते तो हम क्या करते पानी से ऑक्सीजन ले लेते हम में गल्फ पड़े तो है नहीं गिल्स तो है नहीं होते तो हम पानी में बढ़िया अगर डूब भी जाते तो भी बच जाते हम क्योंकि गलफड़े हैं हम में है ना तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस लेके जाते हैं याद रखिएगा है कि एट्टी फाइव परसेंट ऑक्सीजन और 15 परसेंट में वो लोग हीलियम मिक्स करके लेके जाते हैं स्कूबा डाइवर्स अब मेरा आपसे क्वेश्चन है हीलियम ही क्यों हीलियम ही क्यों आंसर छुपा हुआ इस बोर्ड पे हीलियम ही क्यों हाइड्रोजन तो वैसे नहीं लेके जा सकते है उसका नाम ऑक्सीजन सिलेंडर होता है लेकिन उसमें हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन नहीं होती है हम लोग हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है आग लगाना ये पड़े सब जला देगी अंदर का सिस्टम आप खुद सोचो हम भी तो एयर लेते हैं ना हम सांस में ऑक्सीजन नहीं हवा लेते हैं बहुत बार बता चुकी हूं अगर कोई भी पूछे ना आपसे हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं क्या कहते हैं नहीं क्या एनवायरमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन है क्या एनवायरमेंट में फिल्टर लगे जो फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन हमारी नाक में डालते हैं हम एयर लेते हैं मिक्सर ऑफ गैसेस हवा क्या है गैसों का मिश्रण है हम एयर लेते हैं वो बात अलग है इस एयर में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों के खून में हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है दोनों बात अलग अलग है ठीक है तो जरा ध्यान सुनिए मेरी बात हाँ बेटा कर सकते हो आज से रेगुलर वेपन तो ऑक्सीजन सिलेंडर में हम 100 परसेंट ऑक्सीजन तो लेके नहीं जा सकते मैम क्योंकि 100 परसेंट ऑक्सीजन तो जला देगी सब ऑर्गन सारी सेल्स मार देगी इंसान को दूसरा ऑक्सीजन के साथ हमने हीलियम को ही क्यों लेके गए तो बच्चा दो इस पे इसके पीछे रीजन है एक तो हीलियम इज नॉन रिएक्टिव गैस अक्रिय गैस है नॉन रिएक्टिव गैस है यानी कि ये अक्रिय है, गैस है और दूसरा बच्चा याद रखिएगा हल्का तो है ये चलो हल्की तो है मैंने लिख दिया चलो लिख दिया हल्की है जो मेन यहां पे कारण होता है ना ले जाने का वो ये है कि हीलियम हमारे खून में लेस सोल्यूबल गैस होती है इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है लेस सोल्यूबल गैस है ये ये कम घुलनशील गैस है ये घुलेगी नहीं हमारे खून में और हमारे खून में तो हमें घोलना किसको है ऑक्सीजन को घोलना है हमें कौन सा हीलियम को घोलना है हम क्यों घोलेंगे हीलियम को हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना हमारी सेल्स को तो हम तो ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं ना तो बच्चा अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि आप जो स्कूबा डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हीलियम ही क्यों तो बताना ये लेस सोल्यूबल गैस है और जब सोल्यूबल कम है कम घुलेगी तो जितनी ली है उतनी ही एज इट इज वापस बाहर आ जाएगी और बबल क्रिएट नहीं करेगी इसलिए हम इसको सोल्यूबल गैस सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से हम इसको स्कूबा डाइवर्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं यही रीजन होता है कि कोई अस्थमा पेशेंट है अस्थमा पेशेंट है अस्थमा पेशेंट यानी कि दमा रोग वाला कोई आदमी है उसको सांस की कमी है तो वो भी क्या रखता है वो भी अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकिन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके अंदर लगा हुआ होता है उसको इनहेलर कहते हैं इनहेलर रखता है अपने पास देखा ना पंप पहले तो बहुत ऐसे पंप आते थे आजकल तो पता है बहुत मॉडर्न से पंप आ गए उसके अंदर कैप्सूल लगाते हैं कैप्सूल में सॉलिड फॉर्म में होता है खटावा जाती है उससे ले लेते हैं तो उसको इन्हेलर कहते हैं तो उस इन्हेलर में भी वो क्या करता है वो अपने ऑक्सीजन के साथ किसको हीलियम को रखता है अगेन रीजन यही है कम घुलनशील है भाई हमें तो इसको घोलना है ना हमारे खून में हमें इसे घोलना ही नहीं है अब इसको साथ में क्यों लेके जा रहे हैं क्योंकि भाई हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन तो मार देगा ना हमें यहीं से यहां से नीचे उतरते ही मार देगा इसलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं ठीक है बच्चों पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन ये छह क्वेश्चंस आपके हीलियम से बने थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं चलें आगे हाँ जी एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो लिख लो हीलियम गैस सन सरफेस पे भी पाया जाता है लिख देना इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सन यह सूर्य की सतह पे भी पाया जाता है सूर्य पर भी पाया जाता है और आप जानते हो कि सूर्य के तह पर दोनों ही हल्की गैसेस हैं कौन कौन सी एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी कौन सी हीलियम गैस। और हीलियम गैस दोनों ही सन की सरफेस पे पाई जाती हैं किस रेशियो में पाई जाती हैं ये कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या हो गया आज इस बोर्ड को ये पाई जाती हैं थ्री इज वन के रेशियो में थ्री टू वन के रेशियो में ऐसे पाई जाती हैं बच्चा हाइड्रोजन और हीलियम गैस ठीक है हाँ राजन ने बिल्कुल सही आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया राजन ने चले हीलियम से बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने तो पहला नोबल गैस कंप्लीट बनने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट आ जाओ दूसरे नोबल गैस पे दूसरा नोबल गैस आता है नियॉन आजकल बहुत चल रहे हैं नियॉन कलर्स चल रहे हैं नियॉन ग्रीन नियॉन ऑरेंज है ना देखिए ना ब्राइट से कलर लड़कियां नेल पेंट लगा के रखती हैं इट्स नियोन कलर नो इट्स नॉट ऑरेंज इट्स नियोन कलर है ना चलो सिंबल एन ए, तो मैं आपको बाद में टेबल में याद करवा दूंगी अभी नहीं करने आपको नियोन कहाँ काम आता है नियोन कहाँ काम आता है तो सबसे पहला जो आपसे एग्जामिनर पूछता है वो आता है जो डेंजोर्स लाइट होती है जहां पर भी डेंजर सिग्नल होते हैं डेंजर सिग्नल का मतलब है खतरनाक चिन्ह देखते हो ना हॉस्पिटल जाते हो वहां पे क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है आप और भी देखते होंगे गए एम्बुलेंस के बाहर लगा हुआ होता है, है ना डेंजर का मतलब है खतरनाक चिन्ह जहां पर भी खतरा होता है भैया वहां पर क्या होता है खतरा लाल कलर से रेड कलर से लिखा हुआ होता है और उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है नियोन अब अगर आपसे पूछ ले सबसे पहला तो ये कि खतरे के निशान हमेशा लाल कलर के क्यों होते हैं तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है इसके पीछे दो रीजन है स्कैटरिंग का है ना बिखरेगा नहीं आपको पता है इसका प्रकीर्णन की वजह से स्कैटरिंग की वजह से बिखरता नहीं है ये और दूसरा इसकी वेवलेंथ है ना ये फिजिक्स का चैप्टर है आप फिजिक्स से पढ़ लोगे इसकी तरंग धैद्रिय ज्यादा होती है तो दूर से दिख जाता है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है हालांकि मैंने पढ़ाई दिया है फिर कह रही मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो खतरे के निशान हमेशा लाल कलर के क्यों होते हैं तो उसके पीछे दो रीजन है लेकिन खतरे के निशान जहां भी होते हैं उसके अंदर नियोन भरा जाता है इसलिए वो अंधेरे में भी चमक चमकते रहते हैं दूसरा आजकल लोग क्या कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं है ना एडवर्टाइजमेंट में भी आपने देखा होगा विज्ञापनों में रात को दुकान खोली दुकान के बाहर लिखा हुआ है मैगडी और रात को वो चमक रहा है अंधेरे में है ना तो विज्ञापनों में भी वो चमक रात में जो चमक है विज्ञापनों में वो किसकी वजह से है वो इसी नियोन गैस की वजह से है तो अंधेरे में कोई भी डेंजर सिग्नल कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी दुकान के बाहर लिखा हुआ है वो चमक रहा है तो वो नियोन की वजह से ही चमक रहा है ये हो गया आपका दूसरा नेक्स्ट नियोन यूज होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में अब फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है भाई ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट आजकल तो एलईडी आ गई पहले वाली ट्यूबलाइट तो कोई यूज ही नहीं करता है अब है ना तो पहले वाली ट्यूबलाइट को आप फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्यूब कहते थे हिंदी में सेम नाम होगा ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा जाता था ठीक है भरा जाता था आजकल तो क्या आ गई एलईडी बल्ब आ आगे जला लेते हो ठीक है नेक्स्ट नियोन कहा काम आता है लाइट बनाने में अभी लाइट क्या होती है अच्छा आई ए एस आई पी एस ऑफिसर की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती दिखी देखी है ना आपने एम्बुलेंस के ऊपर तो देखी होगी चलो आई एस आई पी एस की गाड़ियों से तो हट गई अब कोई मंत्री की गाड़ी जा रही है तो उसके ऊपर क्या लगी हुई है लाल कलर की बत्ती और वो ऐसे चमक रही है तो बच्चा उसी को बोलते हैं बीकन प्रकाश लाइट और उसके अंदर भी क्या भरा जाता है आप बताओगे नियोन और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे ठीक है समझ में आ गई मेरी बात हाँ जी हाँ बैकन स्लाइट उसी को बोलते हैं जो एम्बुलेंस के ऊपर होती है जो मंत्रियों के गाड़ी के ऊपर होती है उसमें भी ये रहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब पुराने वाले ट्यूबलाइट को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट और डेंजर सिग्नल में भी न्यून गैस का काम में लिया जाता है चल अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दू कि ये जो ट्यूबलाइट पुरानी आती थी इसमें आर्गन के साथ नियोन डलता था आर्गन प्लस नियोन डलता था राइट आर्गन ज्यादा नियोन कम इसके आगे लिख देना ये ज्यादा डलता था और ये कम डलता था चलो हो गया आइए अब तीसरी पे तीसरी नोबल गैस नंबर थ्री पे आज नहीं हो पाएंगे ना पूरी चलो कोई नहीं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे नंबर तीन पे आता है आपका आर्गन चलो आर्गन के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आप ही लोग बता दोगे अभी मैम ने पढ़ाया था कि आर्गन अदर गैसेस में सबसे ज्यादा एक परसेंट है तो क्या हो जाएगा इट इज मोस्ट अबेंडेंट इट इज मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस लिख दो इट इज मोस्ट या अबेंडेंट नोबल गैस यानी कि जितने भी नोबल गैस हैं उनमें सबसे ज्यादा यही होती है परसेंटेज पीछे लिख चुकी हूँ यह है सबसे ज्यादा पाए जाने वाली अक्रिय गैस है यह सबसे ज्यादा पाए जाने वाली पाए जाने वाली अक्रिय गैस है मतलब इनमें सबसे ज्यादा यही होगी वैसे तो नाइट्रोजन है अक्रिय गैस है या आप लिख दो इनर्ट गैस है जो भी आपको लिखना हो गया नेक्स्ट आर्गन कहाँ काम आता है इलेक्ट्रिक बल्ब में आजकल बल्ब भी कोई नहीं लगाता है गांव गांव में हमारे गांव में बेचारे लोग अभी तक इलेक्ट्रिक बल्ब पे जिंदा हैं विद्युत बल्ब में आर्गन भरी जाती है बिल्कुल भरी जाती है आर्गन ठीक है नेक्स्ट अभी बताया मैंने आर्गन को और कहां पर और कहां पे काम लेते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब बता चुकी हूं फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका क्या काम आता है ये आ, आर्गन और न्योन काम आता है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा आजकल आर्गन को वेल्डिंग में भी काम में लेने लग गए हैं वेल्डिंग समझते हो वेल्डिंग गैस में भी आजकल क्या काम आता है आप बताओगे आर्गन वेल्डिंग करने में ये वाली चीज ना मैं आपको पढ़ाऊंगी जब ए और ये सब पढ़ाऊंगी ना तब अभी लिख दो कि आजकल वेल्डिंग आर्गन से भी होने लग गई है आर्गन से भी होने लग गई है ठीक है बच्चा तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन और वेल्डिंग गैस में भी आजकल आर्गन को काम में लेने लग गए हैं हाँ पहले लेते थे हाँ एसिडलीन वगैरह को लेकिन अभी ठीक है मैम अभी कंप्लीट चलो नेक्स्ट चले अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ नोट डाल के लिखिएगा अपनी गलियों में लाइट लगी हुई होती है ना उनको क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट किस कलर की होती है स्ट्रीट लाइट कैसा लाइट छोड़ती है पीला येलो कलर छोड़ती है गलियों में जो लाइट लगी हुई होती है ना वो पीले रंग की होती है देखी होंगी आपने तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रीट लाइट में क्या भरा जाता है और याद रखना जब भी पीला कलर आपको लाना है ना तो आपको एक ही चीज भरनी है वो है सोडियम सोडियम की जो आग निकलती है ज्वाला निकलती है वो हमेशा येलो कलर की होती है तो आपको ऑप्शन में सोडियम या सोडियम वेपर लिखा हुआ मिलेगा ठीक है सोडियम वास्प या सोडियम पीला कलर सोडियम लैंप कलर का जलता है क्यों क्योंकि सोडियम है उसके अंदर तो स्ट्रीट लाइट में ये होती है बेटा ठीक है चले आगे चार नंबर पे आर्गन हो गया चलो क्रिप्टोन क्रिप्टोन पांच नंबर पे लिखोगे क्रिप्टोन के आर क्रिप्टोन के आर वाई ओ एन क्रिप्टोन सेम नाम हिंदी में है क्रिप्टोन के आर इसका सिंबल है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे वो एक ही है हमारे कैमरे में हमारे मोबाइल फोन में जलाते हो रात में आप क्या लाइट लाइट जाती है तब फ्लैश चलाते हो उसी फ्लैश लाइट में क्या ये क्रिप्टोन गैस काम में ली जाती है। लिख दो फ्लैश लाइट में फ्लैश लाइट का हिंदी फ्लैश लाइट ही होगा किसके फ्लैश लाइट में मोबाइल के जो मोबाइल यूज करते हो ना सेल फोन यूज करते हो उसका ये वाला फ्लैश ये वाला फ्लैश अभी बताते हैं क्यों ये वाला साइंस है बिना कारण के थोड़ी समझ में आ जाएगी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है क्रिप्टोन गैस की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी तीव्रता ज्यादा होने की वजह से इसको फ्लैश लाइट में मोबाइल या कैमरे की फ्लैश लाइट में काम में लिया जाता है ये पता है क्या करता है ब्लैक को भी व्हाइट दिखा देगा ये क्या करेगा काले रंग को भी गोरा दिखा देने की कोशिश करेगा राइट ब्लैक लाइट को भी वाइट लाइट दिखाने की कोशिश करेगा इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं कि पुराने वाले जो मोबाइल फोन जो अपने जमाने में चलते थे ना सोनी एक्सपीरिया और पुराने कैमरे उन सब में क्रिप्टोन आता था आजकल नोट डाल के लिखना आजकल ना इस क्रिप्टोन से भी ज्यादा देखो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही दिन दिन। है तो रात में अंधेरे में काले लाइट को सफेद दिखा देगा है ना और आजकल लड़कियां तुम्हें पता ही है कैसे कैसे फोटो खींच लेती है फिल्टर भी लगा के तो जिनोन आजकल फ्लैश लाइट में काम में आने लग गया है लिख दो आजकल जो कैमरे होते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वाले या फोन उनमें हम क्रिप्टोन की जगह आप किसको भरने लग गए हो जिनोन को भरने लग गए हो अब आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे तो बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों मिले हैं और बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो आप भैया फिर क्रिप्टोन को सही आंसर करना क्योंकि आपका एग्जामिनर अभी अपडेट नहीं हुआ है वो इसी को सही मानेगा ठीक है बच्चों कर लोगे चलो हीलियम नियोन और कोई क्रिप्टोन का यूज नहीं है बच्चा और ऐसच कोई यूज नहीं है क्रिप्टोन का छह नंबर पे यहीं पे लिख लो जिनोन जिनोन के बारे में दो क्वेश्चन बताऊंगी एग्जाम में वही आते हैं जिनोन हिंदी में सेम नाम जिनोन ही कहते हैं एक्सई जितना पढ़ा रही हूं उतना ही पढ़ना है ना उससे कम ना उससे ज्यादा ठीक है दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना अपना जिनोन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस इसको अजनबी गैस कहा जाता है अब अजनबी क्या होता है जिसको आप पहचानते नहीं है उसको अजनबी कहते हो ना तो बच्चा इसको भी कुछ लोग पहचानते नहीं है क्यों क्योंकि तो बहुत सारी कंट्री में ये नहीं है बहुत सारी कंट्री में है, है उनके लिए तो अजनबी नहीं है लेकिन जिन कंट्रीज में ये नहीं है तो उसके लिए स्ट्रेंजर गैस है कि भैया ये कैसी गैस है ये कैसी गैस है बच्चा ठीक है और नेक्स्ट याद रखना अभी ऊपर लिख दिया है फ्लैशलाइट में भी आजकल जिनोन भरने लग गए इसके साथ जो आरएस आरएस का पेपर जानते हो आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना जैसे आपके यूपी में यूपी पीसीएस होगा हमारे राजस्थान में आरएस होता है, है ना सुनो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में भी एनेस्थीसिया क्या होता है बच्चा बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शंस यूज करते हैं या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं उनमें भी जिनोन को काम में लिया जाने लग गया है तो अनस्थेसिया यानी कि बेहोश कोई भी सर्जरी से पहले अनस्थेटिक कंडीशन दी जाती है तो वहां पर आप याद रखेंगे कि अनस्थेसिया का जो इंजेक्शन वगैरह लगता है उसमें भी जिनोन को काम में लिया जाता है ठीक है बच्चों चलो अब नेक्स्ट जो मैं आपको जिनोन के बारे में एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं ना जो एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है अब सुनो जरा मैं बता रही हूं ना मैं लेवल आपको ऐसा ही पढ़ाऊंगी जो हर एग्जाम कवर करेगा क्या मैंने बोला नोबल गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। नहीं करती ना यही बोला ना मैंने लेकिन बच्चों जिनोन इकलौती ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्ट कर सकती है जो रिएक्ट कर देती है कर देती है और सिर्फ रिएक्ट ही नहीं ये कंपाउंड भी बना देती है ये यौगिक भी बना देती है कंपाउंड भी बना देती है बच्चा जैसे मैं अभी दो चार बोर्ड पे लिखोगी आप बोलोगे हाँ मैम ये हमने सुना तो है जैसे एक्सई एफ सिक्स फ्लोराइड जैसे XEF2. Di ही, होता है, XEF4. ही आपने सुना होगा एक्सई ओ टू ये देखे आपने कभी बारहवीं क्लास की केमिस्ट्री में थे मैंने कहा वैसे तो नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं एकलोती ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्ट कर जाती है और वो कंपाउंड बना देती है और वो यौगिक बना देती है अब ये कंपाउंड ही तो है ये भी तो कंपाउंड है ये भी तो कंपाउंड है ये भी तो कंपाउंड है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कारण इसका बताएंगे हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई जिनोन क्यों रिएक्ट कर जाता है इसका रीजन क्या है चलो अब इसका रीजन सुनो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्ट करती है लेकिन पता है ये सिर्फ दो एलिमेंट के साथ करती है एक तो फ्लोरीन और दूसरा ऑक्सीजन बस इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करती है ये। तो दूसरा ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है रीजन अभी बताएंगे आपको तो आप बता दो फ्लोरीन और ऑक्सीजन आप पहले सुनो क्यों कर जाती है रिएक्ट बच्चों इस तरीके से मैंने लिखा ही कहा गया कहा गया ये रहा देखो ऊपर से नीचे आओ जिनोन यहां पे है यहाँ है ना और जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो ना तो अटोमिक रेडियस बढ़ती है अटोमिक रेडियस इंक्रीज होती है अटोमिक रेडियस क्या होता है ये न्यूक्लियस और ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप अटोमिक रेडियस आप परमाणु त्रिज्या कहते हो हिंदी में नाभिक और किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको हम अटोमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहते हैं ये ऊपर से नीचे आने में इनक्रीज होती है दिनों देखो ना नीचे ये ना नीचे की तरफ ये ना तो बच्चों अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कि एक तो ये एटम है इस तरीके से इसका ये इतना ही डिस्टेंस है डिस्टेंस कम है और एक ये हो गया इतना बड़ा अटोमिक रेडियस डिस्टेंस ज्यादा है अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इस बैलेंसड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्सेस कम लगेंगे ये फोर्सेस कम लगेंगे बल कम लगेंगे और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ना रिएक्ट कर जाता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बना जाता है रासायनिक बॉन्ड बना जाता है और केमिकल बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड बनेगा तो बच्चों ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जिनोन का ये इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बना देता है लेकिन सिर्फ किसके साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अब आप बोलो मैम फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही क्यों बिकॉज ये दोनों केमिस्ट्री में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये तो तैयार बैठे तो कोई, ना? ना? कोई, भी, कोई भी चलेगी, चलेगी वही बात है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये केमिस्ट्री के बात समझ में आ गई ये सबसे अधिक वैध्युत ऋणात्मक तत्व है या वैध्युत ऋणी तत्व है ऐसे लिख लो इसलिए बच्चों जिन्हों ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कंपाउंड यानी बना सकता है, और ये है NDS, as well as. तो ये फोर्सेस कमजोर लगेंगे कमजोर लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ले, ले लेता है थोड़ा बहुत तो लेकिन सिर्फ किसके साथ जो केमिस्ट्री में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सबसे ज्यादा फ्लोरिन फिर ऑक्सीजन कंपाउंड बना दिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई ये चीज आ गई तो लास्ट वाली एक और कर लेते हैं बच्चा कौन सी तो आप बताओगे नोबल गैस खत्म ही कर देते हैं इनको तो लास्ट वाली का नंबर कितना सात नंबर की छह नंबर रेडोन रेडोन लिख लो आर ए एन रेडोन और रेडोन का सिंबल क्या होता है आर एन आर ए मत कर देना आर ए रेडियम होता है Redone, एक तो एटमॉस्फेयर में नहीं होती है क्यों नहीं होती है बता दिया मैंने लिख दो पहला पॉइंट तो यही लिख दो इट इज़ नोबल गैस इट इज नोबल गैस ये सबसे भारी अक्रिय गैस है इन सब में देखोगे तो सबसे भारी है और सबसे भारी है इसीलिए अर्थक्रस्ट में आ जाती है सबसे भारी अक्रिय गैस है और लिख दो इट इज नॉट प्रेजेंट इन एटमोसफियर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे अरे यार बोर्ड भी ना हम्म भारी अक्रिय गैस है लिख दो बच्चा और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में इट इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर यह वातावरण में नहीं या वायुमंडल में नहीं पाई जाती इट इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर क्यों नहीं तो रीजन मैम आपको पहले ही बता चुकी है नेक्स्ट ये कहां काम में लिया जाता है रेडियोथेरेपी में इट इज यूज इन रेडियोथेरेपी रेडियो विकिरणों में कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ये सब कहां पे काम में ले जाती है ये सब आपकी कैंसर के उपचार में तो लिख दो रेडियो विकिरणों में रेडियो विकिरणों में रेडियो थेरेपी में और दूसरा अच्छा इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हो कैंसर ट्रीटमेंट में ठीक है कैंसर के उपचार में दूसरा ये एक्सरे मशीन में भी होती है एक्सरे करवाया होगा कभी ना कभी ठीक है तो एक्सरे वाली मशीन से बच्चों को दूर रखा जाता है एक्सरे का रूम अलग से होता है उसमें किसी और अदर पेशेंट को साथ में लाना अलाउड नहीं होता है क्यों क्योंकि भाई प्रॉब्लम कर देगा ना है ना प्रॉब्लम कर देगा क्यों क्योंकि ये इकलौती आपकी नोबल गैस है जिसमें से ये रेडियो एक्टिव नेचर की होती है इट इज रेडियो एक्टिव गैस अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं तो बाद में पढ़ेंगे ठीक है रेडियो सक्रिय गैस है बच्चा ये एक रेडियो एक्टिव गैस है रेडियो सक्रिय गैस है इस बात को नोट कर लो ये लो ये रेडियो एक्टिव है इसलिए डेंजर है इसलिए ना ही तो रेडियो थेरेपी रूम में आपको अलाउड करते हैं ना ही एक्सरे मशीन के आसपास आपको रहना की इजाजत दी जाती है ये लो और मैं आपको बता दूं जब कहीं पर भी क्या आता है अर्थक्वेक आता है तो थोड़ी बहुत वहां पे रेडॉन गैस निकल जाती है अर्थक्रस्ट में है ना आ जाएगा फटके बाहर थोड़ा सा तो भूकंप वगैरह आप लिख लेना कि जब भूकंप वगैरह आता है अर्थक्वेक वगैरह आता है ठीक है तो उसमें हल्की फुल्की रेडोन गैस बाहर आ सकती है बाहर आ सकती है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में है ना हैवी होने के कारण ये लो बच्चों खत्म आपके नोबल गैसेस मैंने क्या पढ़ा है सारे क्वेश्चन बता दिए हैं नोबल गैसेस से जो जो आते हैं ठीक है वैसे मैं थोड़ा सा और भी मुझे पढ़ाना था नोबल गैस के बारे में नहीं पढ़ाना ये खत्म हो गया

कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है कौन सी कहाँ यूज में ली जाती है ये सारे आपको नोट डाउन कर लेना ठीक है हाँ भूकंप आता है तो रेडोन गैस निकल सकती है बिकॉज अर्थक्रस्ट से निकल जाती है हो गया आपका एग्जाम है ना भाई मेरे विपिन तो इतना लेट क्यों जागे हो आप एक ही बात है मैम विपिन ने आज कमेंट करके परेशान कर दिया मैम सिलेबस कब होगा सिलेबस कम होगा अरे भाई रुक जाओ आपका एग्जाम है बाकी सबका नहीं है ठीक है मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी मैं आपके एग्जाम की वजह से सिलेबस खींच नहीं सकती समझ रहे हो मैं नहीं खींच सकती मुझे जैसे पढ़ाना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगी पहली क्लास ने बता दिया था केमिस्ट्री की 45 से 50 क्लास होंगी नहीं सुन सकते तो फिर से सुन लो अब कितनी क्लास होगी तो देख लो कितना सिलेबस हो गया इतना रेशो तो निकाल लोगे आप है ना और बायोलॉजी की 80 से 90 घंटे की क्लास होंगी अब देख लो देख लो अब कितना हो गया सिलेबस अब मत पूछना इसके बाद ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है साइंस तो इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता फिर नहीं आ सकती आपको साइंस समझ में ओके बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर बाय बाय टेक केयर भी फिर बेटा तुम ब्लॉक ही हो गया और कितना टाइम लगेगा तो मैं ये रेशियो नहीं निकलना रेशो नहीं निकाल पा रहे तुम घंटे तुम्हें मैंने बता दिए हो गया आजकल के यूथ को तुम लोग सच्ची बता रहे हो कुछ लोग इतना हम हमारे मास्टरों से पूछते थे ना धो डालते थे क्लास से बाहर निकाल देते थे अभी तक तो घर पे फोन और जा चुका होता था अभी तक पेरेंट्स के पास चिट्ठी जा चुकी होती चलो बच्चों समझते अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे थैंक यू सो मच